हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं आविष्कार एवं आविष्कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेस्ट पूरा एंड तक लगाना है और इसमें से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आप अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और इससे पहले जितनी भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोस अपलोड की हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो आपको सिर्फ इतना बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल सही है, पहले का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीबी के चिकित्सा की खोज किसने की? ये के होगा, टीबी के चिकित्सा की खोज किसने की? तो टीबी के चिकित्सा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनसेन ने। क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? टाइफाइड के जीवाणु की खोज की है रॉबर्ट ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु की खोज किसने की? राइट आंसर आपका ल्यूवेन हॉक ने की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरी बेरी की चिकित्सा की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओई जैकमैन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिफिल्स की चिकित्सा की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, पॉल एरिक ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वॉट और क्रिक ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिसन और सिम्पसन ने। क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। हाइड्रोफोबिया की खोज किसने की? हाइड्रोफोबिया की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? साल्क ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, होम्योपैथिक की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैनी मैन ने। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एस्प्रिन की खोज किसने की? एस्प्रिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन की खोज किसने की? तो सभी को पता होगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फंक ने। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए बी की खोज किसने की? तो विटामिन ए और बी की खोज, ए बी की खोज किसने की? मैकुलन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंसुलिन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंटिन ने। क्वेश्चन नंबर 20, हेजे के टीके की खोज किसने की? हेजे के टीके की खोज किसने की? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विटामिन डी की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा होपकिंस इज द राइट आंसर। विटामिन डी की खोज किसने की? होपकिंस ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रुधिर परिवहन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुधिर परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी की खोज किसने की? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, होलकट ने। क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर समूह की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर समूह की खोज की है आपकी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज की है प्रिस्टल ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 26, न्यूट्रॉन की खोज किसने की?
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बोर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 27, बोर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नील्स बोर ने। क्वेश्चन नंबर 28, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लैंक ने, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी की है जे.जे. थॉमसन ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दिया मैंने, टेलीग्राम से पीडीएफ मिलती है, टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सौरभ17 के सर्च करिएगा और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी आपको पूछना है वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहती है। तो प्लीज़ ये लाइक और शेयर करते रहा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।